खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म सात खून माफ। ये फिल्म 1 फरवरी 1991 को डबल विज़न यानी उर्दू और पंजाबी जबान में पाकिस्तान में रिलीज़ की गई थी। ये एक एक्शन टाइप फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था इकबाल कश्मीरी ने, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे मियां खालिद फरोज़। फिल्म की स्टोरी लिखी थी तनवीर काजमी ने, जबकि फिल्म को एडिट किया था जेड ए जुल्फी ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी एवर न्यू स्टूडियो लाहौर। फिल्म के मेन रोल में शामिल थे सुल्तान राही, रीमा, नीली, जावेद शेख। अजब गुल, रंगीला, सावन, तारिक शाह। और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। फिल्म को म्यूजिक दिया था वजाहत अतरे ने, जबकि फिल्म में टोटल 6 गाने रखे गए थे जिन्हें गाया था मैडम मलका तरन्नम, नूर जान और हुमैरा चन्ना ने। फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 22 मिनट और 1 सेकेंड रखा गया था। फिल्म की स्टोरी एक टैक्सी ड्राइवर के गिर्द घूमती है जिसके भाई को कत्ल कर देते हैं। बाद में वो टैक्सी ड्राइवर एक एक दुश्मन को इकट्ठा करके पूरे 7 बनाकर बदला लेता है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स को इंडिया वालों ने भी अपनी फिल्म सन 1996 में आने वाली मुकद्दर में कॉपी किया था। मुकद्दर फिल्म का कॉपी क्लाइमैक्स देख लें। अब फिल्म सात खून माफ का ओरिजिनल क्लाइमैक्स देख लें। बॉक्स ऑफिस पर ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।